हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर सर क्या हुआ है दया सर को? बॉस दया की एक पसली टूट गई है, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहा है। यार तो फिर कुछ करना, इसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ तो करते क्या चाहिए तुझे? 20 गेज की नीडल तो तारे। हाँ सर। जैसा पास पास मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी थी और इस तरीके से हम दया को नहीं जाने दे सकते बॉस। सेफ में लाश थी। या उस लाश को हम देख लेंगे, हम ढूंढ लेंगे उसे, लेकिन तुम हिलना मत। सर अभिजीत है, अभिजीत ठीक है? अभिजीत बिल्कुल ठीक है। सॉन्ग कुछ भी कर, जल्दी से हॉस्पिटल भेज दे। हाँ मैं लेके जाता हूँ। संभल के वो बॉक्स हटा, संभालो संभाल के दया, आराम से ले जाओ। चलो 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 ध्यान से संभल के ले जाओ। सर प्लीज सर, आप दोनों लेटे रहिए सर, सर देखिए ना सर। अरे जल्दी से ट्रॉमा सेंटर में लेके जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। यार बात समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी चोटें आई हैं तुम लोगों को। अरे ऐसी हालत में चलना फिरना ठीक नहीं है, आपको आराम करना पड़ेगा। अरे मैं ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम है? सर ये प्रॉब्लम है, अभिजीत अभिजीत तुम्हारे कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई है। तो इसको कुछ बांध भी दो सकते है ना? नहीं होगा ठीक। अरे सर उधर बिल्डिंग गिर गई है, उसके नीचे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कितने लोग दबे हुए, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है सर, हमें जाने दो। हम कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, जो भी करना डॉक्टर साहब यहीं पे कर लीजिए। यार तुम लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करें, बहुत गहरी चोटें हैं, ये जाना जरूरी है तुम लोगों को। सर सर मुझे लगता है कि इनकी पसली की एक हड्डी भी टूट गई है और बाएं पैर में मोच आई है। हाँ। एक काम करो डॉक्टर साहब, इस पसली को टेप कर दीजिए और स्लिंग लगवा दीजिए, बस इलाज बाद में करते रहेंगे। यार तुम मुझे बताओगे क्या करना है? डॉक्टर नहीं होगे तुम हो यार। अरे सर आप जितना कह रहे हैं उतना करिए ना प्लीज, हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझाएं यार, अब बांधो ना इसको कुछ भी। चलो यार इसे एम्बुलेंस में लेकर चलो, आ जाओ। सर आप ठीक है? हाँ सर। सर उठिए मत सर। सर ये डॉक्टर साहब कहाँ गए? मुझे कब से यहाँ पे लिटा के रखा है? सर सालुकी सर ने मुझे भेजा है। सर आपको अभी हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि आप अभी चल भी नहीं पाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाना होगा सर, इसलिए। पंकज मुझे मत समझा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। डॉक्टर साहब कहाँ? सर
डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सर, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है और सर यहाँ पे आपको और चोट लग सकती है। ठीक है ना? ठीक है, या संभाल के। थैंक यू, थैंक यू। संभाल क्या? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप जाके समझाइए, मुझे तो लात मार दी। इन दोनों को भगवान नहीं समझा सकता यार, देखता हूँ मैं क्या। अरे ये कहाँ गई? ए कहाँ है तू? ए यहां से बच के भाग नहीं सकती, निकल। ए निकल, चुपचाप बाहर आ जा, यहां से भाग नहीं सकती तू, जानती नहीं मुझे अभी तू। ए निकल, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। ए निकल, ए तेरी। समझ में नहीं आ रहा, इतना मजबूत सेफ है ये, फिर भी उसके अंदर लाश, ये कैसे? आखिर है कौन ये आदमी और ऐसा क्या था इस लाश में जो इसे सेफ में रखा गया? वही तो सर। हाँ सर, यही है वो बिल्डर जिन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, घटिया सामान इस्तेमाल करके यहाँ ऐसी बिल्डिंग बनाते हो। मैंने तो अच्छे से अच्छे सामान लगवाकर ये बिल्डिंग बनवाई थी। और सर हमारे पास। तुम कौन हो? सर मैं इनका असिस्टेंट हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास भवन निर्माण विभाग का सर्टिफिकेट भी है और उनके हिसाब से ये बिल्डिंग का पाया पूरी तरीके से मजबूत है। भवन निर्माण का सर्टिफिकेट है इनके पास? ये इस बिल्डिंग का? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मलब पट्टी करवाओ, थोड़ा आराम करो ना। नहीं सर, वो ये पट्टी पट्टी हो गई है सर। ये किसने कहा? किसने कहा? सर सालुंखे साहब से बात हो गई है, हम लोग ठीक है सर अभी। सालुंखे ने बोला? सालुंखे का दिमाग खराब हो गया है। ये बिल्डिंग किसे बेची थी तुमने? सर एक ब्रोकर के थ्रू ओसन इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को बेची थी 6 महीने पहले। और तुम लोग कंपनी के मालिक और डायरेक्टर से कभी मिले नहीं? हा? तो सुरंग है सर, इसी की वजह से बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर हो गई होगी। तो जरूर उन लोगों ने सुरंग में धमाका करके बिल्डिंग को गिरा दिया। सर लेकिन उन लोगों ने इस बिल्डिंग के नीचे सुरंग क्यों बनाया? ये ओशन कंपनी जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर कुछ खतरनाक चल रहा है। और ये पता लगाने के लिए देखना होगा कि सुरंग कहां जाता है। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं ना। क्या देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग इस हालत में? तुम लोग जाओगे? बिल्कुल नहीं, कोई और जाएगा, तुम नहीं जाओगे। नहीं नहीं सर, हम लोग बिल्कुल ठीक है सर, ये पट्टी हो गई है, हम संभाल लेंगे सर। हाँ हाँ सर, हम लोग ठीक है, हम लोग देखते हैं सर। तुम लोग मानते क्यों नहीं हो सर? ठीक है था, मगर संभल के ख्याल रखना। सर टॉर्च लो, टॉर्च।
क्या हुआ सच सची? तो ये तो अजय है सर। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहा था मैं। उसी वक्त बिल्डिंग कर गई। अजय सर एक काम कर, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेज दे, इसका बचना हमारे लिए जरूरी है। नहीं बस, इसके जख्म इतने गहरे नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा। यार सालुंखे मैं कह रहा हूँ इसे हॉस्पिटल भेज दे, इसका बचना हमारे लिए जरूरी है, भेज दो इसे हॉस्पिटल। इसे तुम समझो बॉस, इसे कुछ नहीं होगा। देखो देखो ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, प्लीज। अजय हाँ बोलो क्या? जेपी जेपी क्या? जेपी क्या आगे बताओ। जेपी अजय अजय ये तो मर गया। सालुंखे ये कैसे मर गया? तू तो कह रहा था इसे कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रहा था तुझे हॉस्पिटल भेज दे। बस वाकई इसके जख्म इतना गहरे नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। सालुंखे तू और जो इन्फॉर्मेशन ये देने वाला था वो भी इसके साथ दफन हो गई, इसका मरना गड़बड़ है। एक काम करो इसे टेंट में लेके चलो। सर यकीन नहीं होता, शहर के नीचे इन लोगों ने इतनी बड़ी सुरंग बना रखी है। ये वायर देखा, लगता है यहां पे लाइट का भी इंतजाम है। जिसने भी ये सुरंग बनाई है पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, लाइटिंग का भी इंतजाम है, लेकिन काम नहीं करने लगता है। हाँ ये सुरंग बनाने में काफी महीने लग गए होंगे। सर संभाल के। सब गीला है पूरा, लगता है ये सुरंग जो है कहीं से सीवर से जुड़ी हो या फिर समंदर तक जाती है। हाँ गलती हो गई यार, ये मर कैसे सकता है, इम्पॉसिबल। एक मिनट छोड़ दो इसे यहीं, तुम लोग जाओ। जी जी क्या हुआ सर? तारिका ये देख रही हो तुम? ये देखो ये निशान, गर्दन पे भी। अरे हाँ
ये बात है तारिका, अब बात समझ में आ गई। बस मैं जानता था इस अजय को ऐसी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से इसकी जान जाए, चक्कर कोई और है बॉस। इसे बहुत ही तीखा, बहुत खतरनाक जहर दिया गया है जिसका नाम है वर्टिम। ये देखो वर्टिम। सांगी तुझे पूरा यकीन है इस वर्टिम जहर की वजह से ये दाग है? बिल्कुल बॉस। सर ये जहर सिर्फ 15 मिनट में जान ले लेता है, किसी ने अभी अभी बस कुछ देर पहले जहर दिया होगा अजय को। सर ये कुछ जानता था और हमें बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसे किसी ने जहर दे दिया। ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो यहीं पर थे, हमारे होते हुए कोई आकर इसे जहर कैसे दे सकता है? लेकिन सर यहाँ तो हम लोग रेस्क्यू वर्कर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा बाहर से तो कोई आए नहीं। एक रेस्क्यू वर्कर था। अरे सुनो सब रेस्क्यू वर्कर्स इधर आ जाओ, चलो आओ इधर आओ, सब लाइन में लग जाओ, चलो जल्दी। तुम लोग सिर्फ इतने रेस्क्यू वर्कर्स थे? हाँ सर हम तो 5 ही लोग थे। 5 कैसे, और एक होना चाहिए। एक रेस्क्यू वर्कर था, ऊंचा सा तगड़ा सा, कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रेस्क्यू वर्कर के कपड़े पहन लिए और आके वो वर्टिम जहर का इंजेक्शन दे दिया और भाग गया होगा? सर अगर उसने 15 मिनट पहले जहर दिया होगा तो अब तक तो यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन 15 मिनट में जा जाकर वो कितनी दूर जा सकता है, उसे तो ढूंढना ही होगा। कहीं जाओ सब लोग, ढूंढो उसे। सर बहुत बहुत घुटन सी हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, तो घुटन तो होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये आवाज कैसी? अभिजीत अभिजीत
श्रेया, 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 तुम ठीक हो? उठो, उठो, अभिजीत का, अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत कहाँ हो तुम? अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत, अभिजीत कहाँ चला गया? अभिजीत, पानी के बहाव में वो उस सुरंग के दूसरे रास्ते में तो नहीं चला गया? चलो देखते हैं। पुलिस साहब, डाबेली गरम है। पता है, पता है, हम एक आदमी को ढूंढ रहे, शायद आपने उसे देखा हो। कौन आदमी साहब? हट्टा कट्टा आदमी था, शायद उसने राहत कर्मियों वाले नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे। देखा है तुमने किसी ऐसे आदमी को यहाँ से आते जाते हुए? हाँ मैम, ऐसा मैंने एक आदमी देखा था, वो आदमी भागता हुआ उस कोने की तरफ जा रहा था। उस तरफ? जी जी। चलो। आगे तो रास्ता ही बंद है, रो गया गाँव, यहाँ पे तो छुपने की भी जगह नहीं है। वो कपड़े बदल के इसी रास्ते से वापस गया होगा। चलो जल्दी। भाई साहब जी, आपने जिस आदमी को देखा था, क्या तुमने उसी आदमी को दूसरे कपड़ों में यहाँ से वापस जाते हुए देखा? याद करो अच्छे से। नहीं मैम, दोबारा मैंने उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ उस तरफ एक लाल रंग की मोटरसाइकिल खड़ी थी, और उस आदमी के उस कोने में जाने के बाद ठीक तुरंत बाद उस मोटरसाइकिल के जाने की आवाज सुनाई थी। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर मुझे याद नहीं है साहब। कोई बात नहीं, बाकी सब हम पता कर लेंगे। Thank you.
कोई है? कौन है वहां? क्या? कौन है? कौन है? कौन है तुम? ये यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चला चला, देख देखो, घबरा मत, मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। क्या रहे हो तुम्हें? क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने दो दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, मैं यहाँ से भाग रहा था, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन? देखो कौन मारेगा, कौन लोग हैं ये? वो लोग मार डालेंगे। कौन है? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? वो लोग मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगा यार, मैं रास्ता भटक गया हूँ। देखो मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मेरे साथ चलो। आ जा चला जा। बस ये जो गोली है ये काफी दूर से मारी गई है और पीछे की तरफ से मारी गई है। पीठ के ऊपरी हिस्से में लगकर गोली आगे से निकली और इसके घाव को देख करके लगता है बॉस ये गोली काफी पावरफुल राइफल से मारी गई है। और ये जो दूसरी गोली है ये गोली से काफी करीब से मारी गई है, ये देखो इस पर गन पाउडर के निशान। हाँ तरुंखे, काफी करीब से गोली चलाई है, गन पाउडर भी है और वो भी सीधे सीने में। लगता है इस आदमी की मौत इस गोली की वजह से हुई है। बिल्कुल, और बॉस ये देखो इसके सारे शरीर पर ये खरोंचे, ये चोट के निशान, लगता है गोली मारने से पहले इस बेचारे को काफी तकलीफ दी गई है। हाँ जरूर कुछ न कुछ तो खास, या तो ये आदमी जानता होगा या फिर कोई चीज उसके पास होगी, और शायद इसीलिए खूनी ने इसे खत्म कर दिया। सर ऐसा क्या होगा इसके पास जिस वजह से इसे मार दिया और सेफ में बंद कर दिया? और सर जरूर वो चीज खूनी के लिए बहुत ही खास या बहुत बड़ा खतरा होगी। और लगता है वो चीज, वो खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई, वो अभी भी या तो उसके पास है या फिर कहीं पर है जो यही जानता है। वैसे देखें तो इसका ये जूते, ये घड़ी, ये कपड़े काफी महंगे हैं। ये देखो कपड़े वगैरह सब कुछ। सरंखे हाँ, देख तो कुछ है यहाँ पर, काट के देख।
दोस्त ये देखो, ये पिन ड्राइव है और यही वो खास बात है, खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूं। प्लीज रोको, गाड़ी रोको, रुको, रुको, अरे प्लीज। ओह गॉड, गाड़ी रोको। अरे मैडम क्या कर रही है आप, क्या रोड पे तमाशा लगा रखा है? देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज प्लीज मुझे आपका फोन यूज करने दे दीजिए। हाँ एक मिनट देता हूँ। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो समीर, समीर मैं संजना बोल रही हूँ। समीर नहीं है, समीर अब हमारा मेहमान है, वो अब तुमसे बात नहीं कर सकता। भाग गई थी ना, इसलिए तुम्हारे भाई को उठा लिया हमने। समीर के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करेंगे। इन्हें बात कर। समीर, समीर। संजना, संजना तुम इसकी बात मत सुनो, तुम खुद को बचा लो प्लीज। समीर, समीर कैसे हो तुम? समीर इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? समीर सुनो, अगर तुम अपने भाई से प्यार करती हो तो जेपी रोड पे आ जाओ ब्रीफकेस लेकर। देखो मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। याद रखना कोई होशियारी मत करना, और अगर पुलिस को बताए ना तो तुम्हें तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। हेलो 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 मैडम फोन दीजिए। My God, इतने खतरनाक हथियार, ये ओशन एंटरप्राइज कंपनी ऐसा धंधा करती है आम स्मगलिंग का? इन बक्सों को देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी वेयरहाउस या गोडाउन में छुपा कर रखे हैं। सर शायद सेफ में मरे पड़े इस आदमी को पता चल गया होगा कि ये नकली कंपनी असली में काम किया करती है, और उसने इन सब हथियारों के फोटोज ले ली। मतलब सर ये आदमी इस कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। हाँ शायद इसीलिए बेचारा मारा गया। अजय एक मिनट, मरते वक्त ये अजय कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या क्या बड़बड़ा रहा था? वो जेपी जेपी कह रहा था, और सर वो कुछ कहता उसके पहले ही वो मर गया। जेपी, ये जेपी कहीं जेपी इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं? हो सकता है क्योंकि वहां पर कुछ गोदाम कुछ वेयर हाउसेस बंद पड़े, वही हो सकता है जेपी इंडस्ट्रियल एरिया। सब सब ठीक हो जाएगा। ये बता तुम यहाँ पे आए कैसे? 6 महीना पहले मुझे पता चला कि शहर में एक नौकरी है। हाँ। जिसमें 1,500 पैसा मिलेगा। अच्छा आराम से, ये तो मैं किसने बताया? एक दोस्त ने। हाँ। हम फिर शहर आ गए और लोगों के साथ हम दोनों को भी यहाँ लाया गया। अच्छा। और सुरंग खोदने के काम पे लगा दिया गया। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे?
कितने कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग थे, उनमें कुछ तो मेहनत और यहाँ के जुल्म करने की वजह से मर गए। बहुत दिन हो गए मैंने दिल का उजाला नहीं देखा है। घबरा मत, ये बता यहाँ पे काम क्या करते हो तुम लोग? पता नहीं साहब, यहाँ पर टोकरे और बॉक्स आया जाया करते थे। और तुम लोगों को रखा कहाँ गया था? यहीं कहीं सुरंग में जगह थी जहाँ पे हम सोते थे, लेकिन अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? हिम्मत रखो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.